ये दृश्य राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह का है। देश के तमाम बड़े नेता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने, लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नदारद नजर आए। नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी को लेकर जब जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार से पूछा गया तो उनका जवाब ये था। बात आ रही है कि ओथ में जदयू की तरफ से नीतीश कुमार जी को जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। अब इस संबंध में जब हमको अद्यतन जानकारी नहीं है तो हम क्या टिप्पणी करेंगे, हमको कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। शपथ ग्रहण से दूरी बनाकर नीतीश कुमार ने साफ संदेश दे दिया है कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इससे पहले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रामनाथ कोविंद को दिए गए विदाई रात्रि भोज में भी शामिल नहीं हुए थे। नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में भी हिस्सा नहीं लिया था। अग्निपथ योजना को लेकर राज्य में जो हिंसक प्रदर्शन हुए थे उसको लेकर भी जदयू और भाजपा के बीच तकरार देखने को मिली थी। बिहार की राजनीति में जदयू और भाजपा के बीच जिस तरह की सिर फुटबॉल दिखाई दे रही है उसे विरोधी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है।